अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज जो स्टार्ट की हुई थी उसका नेक्स्ट पोर्शन हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास है, वो कह रहे हैं मोड्स ऑफ GW बेसिक हमने बताने हैं, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है। तो आइए देखते हैं पहले मोड्स ऑफ GW बेसिक। क्वेश्चन नंबर 1, मोड्स है हमारे पास, तो पहला हमारे पास कौन सा होता है, ड्रैग मोड। दो हमारे पास मोड है, ड्रैग मोड और इन ड्रैग मोड। ड्रैग मोड कब वर्क करता है, जबकि कमांड उस टाइम एग्जीक्यूटेड की जाती हैं एज दे आर टाइप, जैसे ही वो टाइप होती हैं उसके फौरन बाद एग्जीक्यूशन होती है। और ये हमारे पास यूजफुल होता है किस लिए, डीबगिंग के लिए। इसके अलावा किसी प्रोग्राम में अगर हम कंप्यूटेशन जो क्विक है वो करवाना चाहते हैं, क्विक कंप्यूटेशन, तो उसके लिए ड्रैग मोड यूज होता है हमारे पास। क्या एक तो दो ही आप बता दो इसमें प्रॉपर्टीज, एक तो मैंने बताया कि कमांड्स एग्जीक्यूटेड as they are typed, फौरन से ही कमांड एग्जीक्यूट की जाती है जैसे ही टाइप हमने कर दिया उसको। उसके बाद हमारे पास दूसरा मैंने बताया डीबगिंग के लिए यूज हो रहा है और क्विक कंप्यूटेशन के लिए यूज हो रहा है डीबगिंग। और इनडायरेक्ट मोड जो हमारे पास है यूज टू टाइप ए प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को टाइप करने के लिए हम इनडायरेक्ट मोड को यूज करते हैं। और इसका क्या है हमारे पास दूसरा, हमने इसमें जो प्रोग्राम जो हम टाइप कर रहे होते हैं प्रोग्राम, जितने प्रोग्राम स्टेटमेंट्स जो हैं, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स वो किस चीज से प्रोसीडेड होती हैं, लाइन नंबर से। इनसे पहले लाइन नंबर आता है, हर एक स्टेटमेंट से पहले क्या आता है, लाइन नंबर। इतनी प्रॉपर्टीज काफी है दोनों पर भी क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में। ड्रैग टू इंडायरेक्ट मोड में आपने सिंपल से एक्सप्लेन कर देना है ब्रीफली कि कमांड्स यूज होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं जैसे ही वो टाइप होती हैं ड्रैग मोड में। तो इसके अलावा डीबगिंग और क्विक कंप्यूटेशंस के लिए यूज होता है ड्रैग मोड। और इंडायरेक्ट मोड किस लिए यूज होता है हमारे पास, किसी प्रोग्राम को टाइप करने के लिए, और वो प्रोग्राम की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास उनका स्टार्ट में लाइन पर आता है, बस इतनी एक्सप्लेनेशन काफी है। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा जो हमारे पास उनसे पूछा है वो कौन सा है, देखें वो कह रहे हैं रूल्स बताएं वेरिएबल को नेम करने के, GW बेसिक में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको नेमिंग के रूल्स बताने हैं। तो आप जानते हो कि आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें वेरिएबल की बताई हुई प्रॉपर्टीज के क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उसके रूल्स आइए डिस्कस करते हैं। पहले एक तो है हमारे पास वेरिएबल के जो करेक्टर हैं वो नहीं होने चाहिए मोर देन 40 नहीं होने चाहिए, 40 करेक्टर्स ये नहीं होने चाहिए, मोर देन 40 करेक्टर्स। और दूसरा हमारे पास क्या है, वेरिएबल का जो है फर्स्ट लेटर अल्फाबेट लॉन्ग नहीं होना चाहिए, फर्स्ट लेटर अल्फाबेट होना चाहिए। इसके अलावा इसमें
अल्फाबेट्स, इसमें लोअर और अपर केस भी आ जाते हैं, लोअर एंड अपर केस दोनों। इसके अलावा नंबर भी आ सकते हैं और कैरेक्टर भी आ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है ये वेरिएबल के एंड पे हम कोई टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर लगा सकते हैं या इंटीजर वगैरह, तो वो स्टूडेंट में यूज होता है कि हमें फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो बताना होता है कि उसकी लिमिट क्या है। जैसे कि हम इंटीजर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो वो उससे पता चल जाता है कि हमारे पास पॉइंट फॉर्म में नहीं है, ये इंटीजर फॉर्म में है, एज इट इज उसमें लिखना है। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है, टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स इन द लास्ट और चार प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास, और एक पता नहीं है तो बता दें, और है कि आप वेरिएबल्स के दरमियान ब्लैंक स्पेसेस भी दे सकते हैं। ब्लैंक स्पेसेस नॉट अलाउड बिटवीन वेरिएबल नेम वेरिएबल्स। अच्छा जी, इतने काफी हैं, इसकी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास दो नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट पे हम चलते हैं, इसको पहले नोट कर लें उसके बाद मैं रेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बता रहा है कि टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स हमने बताने हैं और उनका यूज साथ में बताना है कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्या यूज है। ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे इसमें, जैसे कि चार टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड वाला शॉर्ट है, तो उसमें पहले नंबर को पूछ रहा है हमारे पास, आपने बता रहे हैं पहला फर्ज करें हमारा है टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर कौन सा, स्ट्रिंग का, उसके बाद इंटीजर, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग
स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है हमारे पास जो कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पे यूज, हमने पढ़ा था स्ट्रिंग वेरिएबल के तो स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज हो रहा है। स्ट्रिंग वेरिएबल कोई एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट देने के लिए यूज हो रहा है, उसके साथ हम ये जब साइन देते हैं तो पता चलता है ये वेरिएबल जो है हमारे पास स्ट्रिंग स्टेटमेंट देगा। जैसे कि हमने दिया ए स्ट्रिंग शो कर देते साथ में अली आगे लिख दिया, तो ये अगर हम जब ये वैल्यू देंगे ए वेरिएबल की साथ में स्ट्रिंग का साइन देंगे तो अली की स्ट्रिंग वो शो करेगा स्क्रीन पे। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है इंटीजर, इंटीजर जो है हमारे पास इंटीजर वेरिएबल ये कब यूज होता है, जब हमने कोई वैल्यू लिखी होती है और वो वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए बल्कि वो पॉइंट्स के अलावा जो पॉइंट्स में अगर वैल्यू है भी सही तो उसको राउंड ऑफ करके सिंपल फॉर्म में पेश कर देंगे, उसमें हमारे पास पॉइंट्स नहीं आने चाहिए, तो ये इंटीजर वेरिएबल काम यूज हो रहा है स्टेटमेंट में कोई वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए। इसके बाद तीसरा हमने ये देखना यहाँ पे a is equal to 2.35 है, अगर तो उसको 2 कर देगा राउंड ऑफ करके, ये हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है। सिंगल प्रोसीजर क्या होता है कि हमने बताया पहले आपको एक्सप्लेन किया था उधर कि आपकी वैल्यू जो पॉइंट्स में आ रही है आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके साथ सिंगल प्रोसीजर का मकसद ये है कि आपने जो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज हैं उनको 6 या 7 वैल्यू तक आपने एडजस्ट करने की ट्राई करनी है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो बाकी हैं उनको राउंड ऑफ कर देगा। सिंगल प्रोसीजर में यही है कि हमारे पास सिंगल प्रोसीजर अप टू 6 to 7 फैक्टर्स या नंबर्स जिसे कहते हैं ना नंबर्स आफ्टर आगे डबल प्रोसीजर है इसमें पॉइंट के बाद आप अप टू 17-18 करेक्टर्स भी शो कर सकते हो, नंबर शो कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप राउंड ऑफ नहीं करते, आपको इससे मोर प्रसाइज आपको वैल्यू हासिल होती है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं होता। तो इस तरह ये डबल प्रोसीजर है हमारे पास डबल प्रोसीजर अप टू 16-17 नंबर्स आफ्टर पॉइंट। ये हमारे पास क्या थे टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर्स, टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर या वेरिएबल्स इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, वो बता रहा है कि जो तीन हमारे पास ऑपरेटर है अरिथमेटिक रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर इनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। आइए देखते हैं इसको, ये तो आपको समझ आ गई ना आप लिखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फोर्थ पे, फोर्थ क्वेश्चन ऑपरेटर्स देखते हैं हमें इसमें। पहला हमारे पास कौन सा है अरिथमेटिक,
अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन आप जानते हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वगैरह, और ये सब जो है जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको अरिथमेटिक ऑपरेटर का नाम दिया जाता है। इसके अलावा ये किस पे वैल्यूज पे अप्लाई होते हैं, यानी नंबर्स पे, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन नंबर्स जो कि वैल्यूज हमारी होती हैं इन पे होता है। कौन से आते हैं इसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन में आते हैं। इसके बाद दूसरा हमारे पास अरिथमेटिक के बाद जो है रिलेशन रिलेशन ऑपरेटर, जो दो वैल्यूज इसमें हमें हमारे पास कम से कम होती है, उन दोनों को हमने कंपेयर करना होता है, उसके लिए यूज होता है रिलेशन ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये फर्ज करें हमने कोई दो वैल्यूज को उनकी दरमियान में इक्वल टू असाइन किया, ग्रेटर देन असाइन किया, लेस देन, कोई एक वैल्यू दूसरी से, तो ये हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। कंपेयर टू वैल्यूज, जैसे के इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन और इक्वल टू एटसेट्रा। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या है, ये हमने लॉजिक ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करने होते हैं एक्चुअली। तो ये जो हमारे पास है इससे हम सिंपल वैल्यूज को कंबाइन करके और कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसके लिए जो ऑपरेटर यूज हो रहा है वो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है। हमने पढ़ा लॉजिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, ऐड, ऐड ऑपरेशन और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ये तीन होते हैं हमारे पास। तो परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस, इनको परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर यूज हो रहा है हमारे पास वो लॉजिक ऑपरेटर है। इनके हमारे पास क्या था एग्जांपल्स, एंड और एंड नॉट, ये हमारे पास तीन थे। चलिए जी, आज के लेक्चर यहीं पे एंड होता है, ये चार क्वेश्चन आपने देख लेने हैं टोटल, और कल चल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, जल्दी से नोट कर लें और लेक्चर एंड करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है नए लेक्चर के साथ, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जो आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको शुरू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।